सो ए कैन डू अ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन, चलो आई एम राइटिंग इट थ्री डेज, हाँ थ्री डेज इन लेस टाइम देन बी, फुल स्टॉप. फिर दिया ए वर्क्स इट अलोन फॉर 4 days. ओके, तो ए ने अकेले 4 दिन काम किया एंड देन बी टेक्स ओवर एंड कंप्लीट इट. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. व्हाट इज एडिशनल गिवन टू यू इफ ऑल टुगेदर 14 डेज वर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क? अगर दोनों मिलकर काम करें, इफ ऑल टुगेदर, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो 14 दिन लगेंगे काम करने में. 14 डेज वर नीडेड, 14 डेज वर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क, कॉमा. सो हाउ मेनी डेज डस ईच ऑफ देम टेक? ठीक है, सो हाउ मेनी डेज, आपको ए का इंडिविजुअल निकालना है और बी का इंडिविजुअल निकालना है. सो हाउ मेनी डेज, ओके, डज ईच ऑफ देम टेक टू डू द वर्क अलोन, टू डू द वर्क अलोन. ठीक है, वेरी सिंपल. अच्छा, आई होप कि आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है. सो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये 3 डेज है, 8 डेज है, तो हम दोनों से करके देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी. सी नाउ, सो व्हाट इज गिवन टू यू? ठीक है, मैं क्वेश्चन के शुरू से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. इफ ऑल टुगेदर 14 डेज, इसका मतलब सी यू शुड नो इन टाइम एंड वर्क ऑल कैलकुलेशन आर डन ऑन 1 डे वर्क. ठीक है, अगर ए और बी मिलकर अगर 14 डेज में काम करते हैं तो जो ए और बी का जो 1 डे वर्क होगा दैट विल बी 1/40. हाँ, ओके. और यहाँ से क्या होगा, अब आपको शुरू में क्या दिया है, दैट ए कैन डू अ वर्क इन 3 डेज लेस टाइम देन बी. सपोज इफ बी इज टेकिंग एक्स डेज, ओके, सो ए विल गोइंग टू टेक एक्स माइनस 3 डेज बिकॉज 3 डेज लेस. आई डोंट नो इट इज 3 or 8. ठीक है, मैं 3 से करके देख रहा हूँ, फिर 8 से भी कर लेंगे, डजेंट मैटर. ओके, तो आपको सिर्फ फंडा समझना है. बी इज टेकिंग एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क, सो ए विल गोइंग टू टेक, ए कैन डू वर्क इन 3 डेज लेस टाइम बोल रहा है ना, तो ए कितना लेगा, 3 डेज कम लेगा, एक्स माइनस 3 डेज. तो बी का जो बी का 1 डे वर्क है, इट विल गोइंग, सी ये जो कैलकुलेशन है ना, इन दिस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/14, ये 1 डे वर्क की कैलकुलेशन है. इसमें ए और बी की वैल्यू जो भी मैं रखूंगा, इट विल गोइंग टू बी 1 डे वर्क. ठीक है, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 1 upon x minus 3, ए का 1 डे वर्क. ठीक है, ओके, आप डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हैं, बी का 1 डे वर्क कितना जाएगा, 1 upon x, और ए का 1 डे वर्क विल बी 1 upon x minus 3. तो ये जो ये वैल्यूज मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी, ए प्लस बी. ठीक है, सो 1 upon x minus 3, ओके. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 डे वर्क लेंगे, ए का कितना है 1 upon x minus 3, बी का कितना है 1 upon x प्लस 1 upon x विल गोइंग टू गिव यू 1/14. ठीक है, तो यहाँ से यू कैन ईजिली कैलकुलेट x, यहाँ से आपका आ जाएगा x. ठीक है, x निकल के आ जाएगा. ठीक है, ओके, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो इट्स नाउ वेरी सिंपल. ओके, जैसे ही x आएगा आपका, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, सी व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ए वर्क्स इट फॉर 4 डेज. ठीक है, ए वर्क्स इट फॉर 4 डेज एंड देन बी टेक्स ओवर. ओके, फिर बी ने कितना टाइम लिया, दैट यू डोंट नो, काम को लेकिन कंप्लीट कर दिया. इसका मतलब अगर ए, अब यहाँ पर ए, इफ ए वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है, प्लस बी हैज टेकन द रिमेनिंग डेज, यू डोंट नो द नंबर ऑफ डेज, सपोज इफ बी हैज टेकन वाई डेज, तब काम जाकर कंप्लीट हुआ है. मतलब कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 1. ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ए तो आ जाएगा, कैसा आ जाएगा ए, क्योंकि एक्स यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ए का क्या रखोगे, वन डे वर्क, याद रखना सारी कैलकुलेशंस वन डे वर्क के साथ होती है। जैसे ही एक्स आएगा, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स रखोगे तो बी का आ जाएगा, और ए का आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वन डे वर्क आ जाएगा। उसको वहाँ रखोगे तो आपका वाई आ जाएगा, ठीक है, ओके। और उसको सॉल्व करना एंड यू विल गेट द आंसर।